नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म के बारे में, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑनलाइन अतिवाद। जैसा कि आपको मालूम होगा, क्राइस्ट चर्च में शूटिंग हुई थी 2019 15 मार्च को, राइट? तो उस शूटिंग को, क्राइस्ट चर्च में जो मॉस्क के ऊपर हमला हुआ था, उसको एक साल होने को आ गया है। एंड हम उसके चलते डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म अब किस हद तक बढ़ चुका है, और ये इससे प्रेरित होकर, क्राइस्टचर्च शूटिंग से प्रेरित होकर, और देश विदेश में किस तरह के जो हैं हमले हुए हैं, और इसको लेकर हम ये भी जानकारी लेंगे कि ये ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म का जो एक्सटेंट है वो क्यों बढ़ा है और वो कैसे बढ़ा है, हाउ एंड वाई। हम दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या कदम लिए गए हैं बहुत सारी सरकारों के द्वारा, बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स हैं, बहुत ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर, इवन इंटरनेशनल लेवल पर देशों ने मिलकर भी कुछ कदम लिए हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की PPT या PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पे इस चैनल को, अनिरुद्ध15A। वहाँ पर आपको आसानी से इस PPT की PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। पुरानी PPTs की PDF भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। आपको केवल टेलीग्राम पे जाना है ऐप पे और सर्च आइकन पे जाके अनिरुद्ध15A सर्च करना है। चलिए अब देखते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में क्या रहा। क्राइस्टचर्च अटैक 1 ईयर ऑन, ऑनलाइन एक्सट्रीमिज्म स्टिल ऑन द राइज। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साल होने को आया क्राइस्टचर्च में अटैक हुआ था, जैसा कि आपको बताया मैंने, 15 मार्च 2019 को, राइट? लेकिन फिर भी ऑनलाइन अतिवाद जो है वो अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स आफ्टर द क्राइस्टचर्च अटैक वॉज हाउ द गनमैन वॉज एबल टू लाइव स्ट्रीम द मैसेकेयर ऑनलाइन। ये अभी भी लोगों को हैरानी है कि जिस तरीके से वो अटैक हुआ, उसको आपको मालूम होगा शुरुआती कुछ घंटों के लिए उस गनमैन ने अपने अटैक को लाइव स्ट्रीम किया फेसबुक के ऊपर। सो बहुत ही हैरान करने वाली बात, चौंका देने वाली बात है ये। सिमिलरली इस साल जो वैसे तो मेमोरियल प्लान किया गया था, बेसिकली एक स्मारक प्लान किया गया था जो शूटिंग के विक्टिम्स थे, जो शूटिंग में जो लोग मारे गए थे उनको सम्मानित करने के लिए एक मेमोरियल प्लान किया गया था, बट कोरोना वायरस के चलते इस मेमोरियल को कैंसिल किया गया। सो इसके चलते हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस पूरी शूटिंग के बारे में, और जनरली हम बात करेंगे ऑनलाइन अतिवाद के बारे में। सो जिन लोगों को क्राइस्टचर्च शूटिंग के बारे में थोड़ा कम जानकारी है, उनको बता दूँ कि 2 consecutive टेररिस्ट शूटिंग अटैक्स अकर्ड एट अ मॉस्क इन क्राइस्टचर्च। क्राइस्टचर्च बेसिकली न्यूजीलैंड में स्थित है, और यहाँ पर एक अल नूर मॉस्क है जहाँ पर कि ये शूटिंग हुई थी ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर ऑन 15 मार्च 2019। और गनमैन ने लाइव स्ट्रीम्ड, गनमैन की ऑडासिटी देखिए आप, ही लाइव स्ट्रीम्ड द फर्स्ट अटैक ऑन फेसबुक। द अटैक किल्ड 51 पीपल एंड इंजर्ड 49 पीपल। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई इस अटैक में। The attack is the result of Islamophobia. ये बहुत ही important term है जो आपको मालूम होनी चाहिए। Islamophobia, इसका कोई हिंदी में लफ्ज़ नहीं है, इसको Islamophobia ही कहा जाता है हिंदी में भी। Basically आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा phenomena है जिसके अंतर्गत जो Islamic religion, Islamic धर्म के लोग हैं, उनके अगेंस्ट किसी तरह का पक्षपात, किसी तरह का प्राग्रह या किसी तरह की घृणा बाकी लोग अगर रखते हैं, तो उसे हम इस्लामोफोबिया टर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेयर हेट्रेड और प्रेजुडिस अगेंस्ट द इस्लामिक रिलीजन और मुस्लिम जनरली, स्पेशली व्हेन सीन एज अ सोर्स ऑफ टेररिज्म। स्पेशली जब बाकी कम्युनिटीज़ को ये लगता है कि जो इस्लामिक धर्म के लोग हैं वही जो हैं वो आतंकवाद का स्रोत हैं, तब उन्हें इस्लामोफोबिया की जो फीलिंग है वो बढ़ जाती है। और न्यूजीलैंड में आप देख सकते हैं कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है वो केवल 1.3% है। सो ये इस्लामोफोबिया आम तौर पे उन देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ पर ये एक माइनॉरिटी रिलीजन हो, राइट? उसके बाद इसी शूटिंग से प्रेरित होकर, इसी शूटिंग से इंस्पायर होकर कुछ और अटैक्स भी हुए। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी कही है, द क्राइस्टचर्च शूटिंग्स इंस्पायर्ड अदर वाइट सुप्रीमेसिस्ट अटैक्स। जो वाइट कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने वर्चस्व को दिखाने की खातिर, हो सकता है कि ये वहाँ पर अपने वर्चस्व को दिखाने की खातिर बाकी अटैक्स हुए हैं, ये एक थ्योरी है, लेकिन अभी तक कुछ प्रूव नहीं किया गया, बिकॉज इट इज़
पॉसिबल कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंसान अपने गुस्से को दिखाने के लिए, अपने घृणा को दिखाने के लिए अटैक कर रहा हो. सो ये भी कहना ऑल टुगेदर सही नहीं हो सकता कि केवल वाइट सुप्रीमेसिस्ट अटैक्स ही हैं ये. खैर, इसको चलते और अटैक्स जो हुए एल पासो करके जगह है टेक्सस यूनाइटेड स्टेट्स में, अ गनमैन किल्ड 22 पीपल एट अ शॉपिंग सेंटर. द सस्पेक्टेड शूटर पोस्टेड एन ऑनलाइन मैनिफेस्टो डिक्लेयरिंग सपोर्ट फॉर द क्राइस्ट चर्च शूटर. उसकी आप देखिए करेज देखिए, उसके बाद उसने आगे जाके क्राइस्ट चर्च शूटर को भी सपोर्ट किया ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर. शूटर्स इन सैन डिएगो एंड नॉर्वे ऑल्सो रोट ऑनलाइन मैनिफेस्टो सपोर्टिंग द क्राइस्ट चर्च शूटर. सो यहाँ पर एक साइड तो शूटर्स हैं, दूसरी साइड ये भी सोचने वाली बात है कि इनको सपोर्ट कैसे मिलती है, राइट? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इन्होंने बद इस्तेमाल किया, इन्होंने गैर इस्तेमाल किया. साथ ही में आईसिस जैसी एजेंसीज आर ऑल्सो रिक्रूटिंग, वो हायर कर रही हैं एंड मेंटरिंग टेररिस्ट ऑनलाइन. सो क्या केवल शूटर की गलती है? क्या इसमें सोशल मीडिया की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? इन सब चीज़ों की चर्चा भी हम करेंगे. सो ऑनलाइन टेररिज्म होता क्या है? ऑनलाइन टेररिज्म इज द यूज ऑफ द इंटरनेट टू कॉन्डक्ट वायलेंट एक्ट्स दैट रिजल्ट इन और थ्रेटन लॉस ऑफ लाइफ और सिग्निफिकेंट बॉडीली हार्म इन ऑर्डर टू अचीव पोलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गेन थ्रू थ्रेट और इंटिमिडेशन. यानी कि धमकी या धमकियों के द्वारा अगर आप अपने राजनीतिक और वैचारिक विचारों को यूज़ करते हैं, राइट, अगर आप उनको अचीव करने के लिए किसी तरह का कोई वायलेंट एक्ट करते हैं यूजिंग इंटरनेट, अगर आप किसी तरह का वायलेंट एक्ट, किसी तरह का कोई हिंसा करते हैं, कोई ऐसी वारदात करते हैं इंटरनेट की मदद से, तो उसे हम ऑनलाइन टेररिज्म कह सकते हैं. इसके थ्रू आप अपने किसी तरह के राजनीतिक विचार को या वैचारिक विचार या किसी तरह के और विचार को प्रोपगेट करना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं उसका, सो उसे हम ऑनलाइन टेररिज्म कहते हैं. द इंटरनेट हैज़ बिकम अ स्ट्रैटेजिक डिवाइस फॉर टेररिस्ट टू आइडेंटिफाई, रिक्रूट एंड ट्रेन न्यू मेंबर्स, टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर फंड्स, टू ऑर्गेनाइज टेररिस्ट एक्ट्स, टू इंसाइट वायलेंस. सो हर तरह की चीज़ को करने के लिए ये जो लोग हैं वो इंटरनेट का बद इस्तेमाल कर रहे हैं. आप देख सकते हैं किस किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ किया जाता है इन प्रोपेगेटिंग टेररिज्म. सबसे पहले तो प्रोपेगेंडा के लिए ही यूज़ किया जाता है. सोशल मीडिया एप्लीकेशन इज़ यूज इन द प्रमोशन ऑफ वायलेंस, रिक्रूटमेंट, इंसाइटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन. फाइनेंसिंग के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज ऑफर्ड थ्रू डेडिकेटेड वेबसाइट मेक इट ईजी टू ट्रांसफर फंड्स. आज की डेट में जब डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हमारी लाइफ्स में आ चुकी है, राइट, पैसे का लेन देन भी डिजिटली हो रहा है. समटाइम्स चैरिटीज़ में ऑल्सो भी डाइवर्टेड फॉर इलिसिट पर्पस. इवन यहाँ तक कि ट्रेनिंग और मेंटरिंग भी ऑनलाइन हो जाती है. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो यहाँ पर लोगों के विचारों को बदलना, उन्हें रेडिकलाइज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मटेरियल को ऑनलाइन भेज सकते हैं. इवन प्लानिंग के लिए इंटरनेट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन फॉर प्लानिंग. एग्जीक्यूशन के लिए भी इंटरनेट कम्युनिकेशन में ऑल्सो बी यूज एज अ मीन्स टू कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ फिजिकल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म. सो फाइनली जब आपने सब प्लानिंग कर ली है, उसके बाद आप एक्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उस समय पर भी इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर अतिवाद, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के पर्पज़ के लिए अभी भी इंटरनेट का बहुत गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. इनफैक्ट ये भी हैरानी वाली बात है कि एक साल के बाद, क्राइस्टचर्च की शूटिंग के बाद, अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं. ऐसा क्यों होता है ये भी एक जानने वाली बात है. तो अभी तो हमने बात करा हाउ के बारे में, अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई ऑनलाइन टेररिज्म इज ऑन द राइज. सबसे पहले है एनोनिमिटी. टेररिस्ट ग्रुप्स यूज एडवांस टेक्नोलॉजी विच मेक इट डिफिकल्ट टू फाइंड द मास्टरमाइंड. जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो उसके पीछे मेन मास्टरमाइंड है उसको ढूंढना मुश्किल है. सोशल मीडिया सबसे आसान तरीका है टू गेट नेम एंड फेम इन द ट्रोलिंग वर्ल्ड. सो इसलिए भी टेररिस्ट, क्योंकि टेररिस्ट का मेन मुद्दा ये होता है कि वो लाइमलाइट में आना चाहता है, तो सोशल मीडिया से आसान तरीका कोई भी नहीं आपको बेस्ट लाइमलाइट में आने के लिए. इंटरनेट इज़ द फास्टेस्ट मीडियम टू स्प्रेड एक्सट्रीमिस्ट डेटा. यदि आप कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करना चाहते हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट इन नेचर हो, इंटरनेट से बेहतर मीडियम अभी तक नहीं बना है. टेररिस्ट ग्रुप्स यूज़ ऑनलाइन मीडियम टू अटैक इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट देयर फिजिकल प्रेजेंस. और साथ ही में सोशल मीडिया के यूजर्स भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. सो ना केवल सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है. टेररिस्ट ग्रुप्स गेट ईजी प्रे फॉर देयर वर्क.
और यहाँ पर कुछ ऐसी यूथ होती है जो कि जनरली अवेयर नहीं होती, उनको रेडिकलाइज करना, उनको बदलना काफ़ी आसान होता है इन ग्रुप्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स सरकारों ने लिए हैं अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की ही बात करेंगे बिकॉज हम क्राइस्टचर्च शूटिंग की बात कर रहे हैं। टुक स्टेप्स सच एज रेगुलेटिंग द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया इन द वेक ऑफ क्राइस्टचर्च मीटिंग, राइट। भारतीय सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हम 2013 में लेकर आए थे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की विधि है हमारा 2000 की, उसका सेक्शन 69 डायरेक्टली डील करता है साइबर टेररिज्म के साथ, साइबर आतंकवाद के साथ। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव भी हमने लॉन्च किया टू स्ट्रेंथन द साइबर सुरक्षा इकोसिस्टम इन इंडिया। साथ ही में यूरोपियन पार्लियामेंट, जो यूरोप का सांसद है, उन्होंने भी कुछ नए नियम जारी किए अकॉर्डिंग टू विच टेररिस्ट कंटेंट ऑनलाइन शुड बी रिमूव्ड विद इन 1 आवर। एक घंटे के भीतर आपको यदि किसी तरह का टेररिस्ट कंटेंट ऑनलाइन मिलता है तो उसे वहां से हटाना ही होगा, राइट। न केवल ये तो हुआ कुछ नेशनल लेवल पे स्टेप्स, इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स जो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लिए हैं। इंडिया जॉइंड फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड सेवरल अदर कंट्रीज इन लॉन्चिंग अ मेजर इनिशिएटिव जिसका नाम है क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको ऑलमोस्ट 48 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। और इनफैक्ट ये ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें केवल कंट्रीज नहीं, इसमें लगभग 80 कंपनीज भी हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। और इन 80 कंपनीज में बहुत सारी सोशल मीडिया और उभरती हुई कंपनीज हैं। अमेजॉन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर ने सभी ने इस क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन डॉक्यूमेंट पे साइन किया है। ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म इज एन इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव वर्किंग इन क्लोज पार्टनरशिप विद द यूएन काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट टू सब्सटैंशियली डिसरप्ट टेररिस्ट एबिलिटी टू प्रमोट टेररिज्म। तो ये भी हमने जो है इंटरनेट फोरम भी बनाया गया है टू काउंटर टेररिज्म। सो बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, राइट। और स्टेप्स लेने की आवश्यकता भी है बिकॉज जो ऑनलाइन अतिवाद है ये अभी रुक तो नहीं रहा। सो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, ये स्टेप्स क्या ये प्रेज़वर्दी हैं और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यदि आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर @ दिस हैंडल। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एज ऑलवेज़ बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टडी IQ।